नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जो है उसका आइडिया हमें होना चाहिए, और वो है सर्कुलर मोशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ है, तो हम पहले सर्कुलर मोशन को भी देख लेते हैं। देखें, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेट्स से जी ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। लेट्स से ये कोई स्टोन है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, और वो जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर इसके सेंटर के साथ अटैच है, और इस स्ट्रिंग की हेल्प से जो ये जो मास है ये इस सर्कुलर पाथ में मैं इसको जो है वो मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मास है ये इस बाउंड्री के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, लेट्स से कि इस पोजीशन पे आके जो स्ट्रिंग है जिसको मैंने यहाँ पे ये रेड कलर के साथ शो किया है, लेट्स से ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। अच्छा, अब जब ये स्प्रिंग टूट जाता है तो क्या होगा कि जो जो मैस है, जो पत्थर है लेट्स से, वो अब उस सर्कुलर मोशन में तो नहीं रहेगा, वो सर्कुलर पाथ में तो मूव नहीं कर सकेगा क्योंकि स्ट्रिंग टूट गया है। वो यहाँ से अलॉन्ग द टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर, अब वो इस सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं करेगा बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक हो गया। तो हमें क्या पता चला है कि स्ट्रिंग जो है वो उसने इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कल में मूव करवाया हुआ था, ठीक है। और वो कैसे मूव करवाया हुआ था कि स्ट्रिंग जो है उसने एक फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई हुई थी, जिस फोर्स ने, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर, देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर इंस्टेंस के ऊपर, हर इंस्टेंस के ऊपर, यहाँ 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 हर पॉइंट के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सर्कुलर पाथ से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो उसको वापस टुवर्ड्स द सेंटर ले आता है। तो वो जो स्ट्रिंग की वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर लेके आती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं इस तरह से जो है वो सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकता हूँ, सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकता हूँ। और इसकी वजह, इसकी बेस पे मैं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, जो फोर्स जो है जो किसी भी बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर लेके आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लेके आती है, which moves the body towards the center of the circle, which compels the body towards the center of the circle, ताकि कोई भी बॉडी जो है वो अपने सर्कुलर मोशन को मेंटेन रख सके, उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है कि जो भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक में है, जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर लूं, तो देखें हम इसके फॉर्मूले को समझने के लिए हम आते हैं वापस न्यूटन सेकंड लॉ पे, जो कि कहता था एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैस है, उस मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो वो जो नेट फोर्स है इस मैस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये फोर्स इस मास के ऊपर अगर अप्लाई की जाए तो ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर बात। अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं यहां पे, ठीक है। देखें, जो फोर्स यहां पे लग रही है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, उस एक्सेलरेशन को मैं डिनोट कर सकता हूं ए सी के साथ, ठीक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं इसको ए सी से डिनोट कर लेता हूँ। ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए सी इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर। आर ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक का कोई ना कोई रेडियस होगा, और वी जो है वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हमें बताता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये कुछ बुक्स में माइनस के साइन के साथ है, कुछ बुक्स में माइनस के साइन के बगैर है, तो हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस आपने क्यों लिखा है, वो इस वजह से। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट ए सी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इन केस आप लिखते हैं, और अगर नहीं लिखते तो इसके बगैर भी आपकी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। सो अब हमें पता है कि अगर F इज इक्वल्स टू एम ए है और एफ सी, तो उसके अकॉर्डिंग एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी हो जाएगा, क्योंकि अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो वो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम, और ए सी की जगह पे आ जाएगा ये वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हो गया जी। तो ये मेरे पास फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये फार्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला हमें बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनवर्स ऑफ द रेडियस। ठीक है, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और रेडियस के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो यहाँ से ये बात याद रखनी है कि F इज इक्वल्स टू एम ए और एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कि ये जो F इज इक्वल्स टू एम ए है ये हमें बता रहा है लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, ये जो हमें शो कर रहा है ये लीनियर मोशन है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। जबकि ये जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर या एंगुलर मोशन को। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसके साथ एक और टर्म को डिस्कस करना भी ज़रूरी है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, लेट्स से कि आपके पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर यहाँ पे आपकी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो मूव करती हुई जा रही है। ठीक है जी, ये इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अब हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवाती है। ठीक है, आप देखें ना कि हमारे पास जो आपने अक्सर जो है वो मोटो जीपी की रेस देखी होगी, जिसमें जो बाइकर्स हैं वो जब भी वो सर्कुलर ट्रैक आता है, कर्व्ड पाथ आता है, तो वो बाइक को बिल्कुल जो है वो नीचे कर लेते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि उनको स्पीड कम ना करनी पड़े, और स्पीड कम किए बगैर ही उनको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिल जाए, तो इसलिए वो जो है। तो इसी तरह ये जो गाड़ी है, अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिले, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है बिटवीन द जो फ्रिक्शन है बिटवीन टायर्स एंड रोड्स। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स, ये जो है ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है।
लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल सकती किसी भी रीजन से, अगर रोड स्लिपरी है या गाड़ी के टायर जो हैं वो पुराने हो चुके हैं और वो आपको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गाड़ी है वो इस कर्व पाथ पे दैट वुड स्किड ऑफ द रोड, ठीक है, वो जो है वो अपने इस कर्व ट्रैक से, इस सर्कुलर ट्रैक से जो है वो हट जाएगी, ठीक हो गया। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसको मैं एक एक्शन कंसिडर कर लूँ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक रिएक्शन है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली रिएक्शनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये नॉर्मली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक अपेरेंट फोर्स है, ठीक है, ये जस्ट एक अपेरेंट फोर्स है। अपेरेंट फोर्स क्यों है इसकी डिटेल हम फिलहाल नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि वो फिर आगे हमारे पास फर्स्ट ईयर के सिलेबस में डिटेल में है, तो उसको हम वहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही रखना है याद कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि इट इज़ द रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास यानी जो सेंट्रीपिटल है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल है ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। आप अगर गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और किसी कर्व्ड पाथ पर आप तेज़ी के साथ गाड़ी को मोड़ना चाहें तो आप प्रैक्टिकली जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते, तो वो आप देखते हैं कि जो पैसेंजर है वो बाहर की तरफ मूव करता है, तो वो जो पैसेंजर बाहर की तरफ मूव करता है वो एक्चुअली क्या है, वो वही उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मूव करवाती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी रिएक्शनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, जो कि उतनी ही मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। सो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हैं ये दोनों टर्म्स हमने साथ साथ याद रखनी है, क्लियर होगी जी बात। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल, इसी वाली एग्जांपल को जो हमने मैस को धागे के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसको हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो मूव करवा रही है, तो इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक हो गया जी। सो इस तरह की हमारे पास जहाँ पे भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है वहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखना है कि हमारे पास जो डेली लाइफ है वहाँ पर हम कहाँ कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहली जो इसमें हमारे पास है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स यानी रोड के जो किनारे हैं वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है हम इसको देख लेते हैं। लेट्स से जी ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यानी जो हमारा व्हीकल है, जो हमारी गाड़ी है वो यहाँ पर, तो ये जो हमारी व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक हो गया। एक्चुअली अब होता क्या है कि अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में ये बात डिस्कस की कि जब बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में मूव करेगी तो उसको जो है वो क्या चाहिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टू कीप इट इन अ कर्व पाथ। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक से हट जाएगी, ठीक है। तो अब होता ये है कि जहाँ पे जो गाड़ी के टायर और रोड है उसके दरमियान फ्रिक्शन जो है वो गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इन केस अगर वो फ्रिक्शन नहीं है तो अब अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो जो गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक से निकल सकती है, ठीक है। एक्चुअली फिर इस मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो आउटर एज ऑफ द रोड है
इसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है, इसको थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा, यानी अगर मैं इसको इस तरह शो करूं तो ये अगर बैलेंस इस तरह बनता है तो ये थोड़ा सा इसको उठा दिया जाता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल भी कहा जाता है, एक ही बात है, एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल इसको कहा जाता है। तो ये जो रोड का आउटर एज है इसको कुछ डिग्रीज उठा देना, इसको कुछ डिग्री कर्व दे देना, इससे क्या होता है कि जो व्हीकल का वेट है वो हमें प्रॉपर उसकी वजह से फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो व्हीकल है उसको मिल जाती है, ठीक है। सो द बैंकिंग जो है, बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग जो है इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर होगी बात। और वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में किस तरह मिलती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर वो प्रोवाइड करता है, लेकिन इन केस अगर वहाँ पे फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है तो फिर जो अब इस केस में जो वेट ऑफ द व्हीकल है, जब हमने ये बैंकिंग एंगल प्रोवाइड कर दिया रोड को, तो अब जो वेट ऑफ द व्हीकल है दैट विल कॉज यू टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो बैंकिंग जो है इसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रहती है और वो उसके जो स्लिप करने के चांसेस हैं, स्किड करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग ऑफ द रोड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक एग्जांपल है। उसके बाद जो एक और एग्जांपल है वो है वॉशिंग मशीन स्पिनर, जिसको हम आमतौर पर ड्रायर भी कहते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन स्पिनर में क्या होता है कि देखें, एक बास्केट है और इस बास्केट की जो वॉल है उसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, क्या हैं, पोर्स हैं, होल्स हैं छोटे छोटे से, ठीक है, ये छोटे छोटे से इसमें होल्स हैं, परफोरेटेड वॉल है। आपने क्या किया है कि आपने जो गीले कपड़े हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं, वेट क्लोथ्स जो हैं वो आपने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे वो वेट क्लोथ्स जो हैं वो आपके रखे हुए हैं सारे, लेट से ये गीले कपड़े, ठीक हो गया। अब वो जो पानी है वो इनके इसकी सरफेस के साथ है, ठीक है, इधर ही है वो सारा पानी इन कपड़ों के साथ है। अब होगा क्या कि ये जो स्पिनर है, ये जो बास्केट है, ये तेज़ी के साथ हाई स्पीड के साथ घूमेगी। अच्छा, अब जब इसने हाई स्पीड के साथ घूमना है तो अभी हमने बात की है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अब जब ये रोटेट करता है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके पास इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है कि वो इसके साथ जो है वो अपने सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर सकें, तो वो एज अ रिज़ल्ट क्या करते हैं कि दे लीव द सरफेस, वो इसकी सरफेस लीव कर देते हैं और फिर वो इस जो परफोरेटेड वॉल्स है इससे बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से जो है वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो वॉशिंग मशीन ड्रायर में कॉमन सी एग्जांपल के तौर पर हमें नज़र आती है। इसी तरह एक और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है वो है क्रीम सेपरेटर की। जो मिल्क से हम क्रीम बनाने का प्रोसेस है उस मशीन में किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फिनोमेना है वो अप्लाई होता है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली देखें कि हम पूरी मशीन नहीं ड्रा करते, हम सिर्फ उस बाउल को, लेट्स से जी ये वो बाउल है जिस बाउल ने ये नीचे जो है वो बाकी सारी मशीनरी, मैं इस बाउल ने एक्चुअली क्या करना है, हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करना है। अच्छा, हमने क्या किया है, इसके अंदर डाल लिया है मिल्क, ठीक है, इसके हमने अंदर डाल लिया है मिल्क। अब होता ये है कि देखिए मिल्क जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना, उसमें कुछ हैवियर कंपोनेंट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, मतलब जिस तरह उसमें फैट्स हैं, वाटर है, तो इसी तरह उसमें कुछ हैवियर कंपोनेंट्स हैं और कुछ लाइटर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जब मैं इसके अंदर मिल्क डाल के इसको हम हाई स्पीड के ऊपर रोटेट, इसको जो है ये जो बाउल है ये हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करता है, तो फिर होता ये है कि जो अब जो मिल्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनके लिए उस हाई स्पीड के साथ स्पिन करना पॉसिबल नहीं है, तो एज अ रिज़ल्ट वो इससे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो मिल्क के अंदर जितने भी लाइटर कंपोनेंट्स हैं, लाइटर कंपोनेंट्स में फैट्स आते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर मूव करना शुरू कर देते हैं, लाइटर कंपोनेंट्स जो हैं वो टुवर्ड्स सेंटर मूव करते हैं,
और जितने भी हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द वॉल्स, टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है जी। तो ये टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो हैं ये मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक पाइप के थ्रू जो सेंटर से जितना भी लाइटर कंटेंट हमने जो है कंपोनेंट जो है वो वहाँ पे आए हैं, वो लाइटर कंपोनेंट्स क्या हैं, वही तो एक्चुअली फैट्स हैं, वही तो एक्चुअली क्रीम है जिनको हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और साइट के ऊपर जो हैवियर कंपोनेंट रह जाते हैं जिसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं, वहाँ से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। आप मार्केट में देखते हैं अक्सर जो है वो मिल्क पैक्स के ऊपर लिखा होता है स्किम्ड मिल्क, तो वो जो स्किम्ड मिल्क है उसका यही मतलब है कि उसमें से जो फैट्स हैं वो निकाले जा चुके हैं और रिमेनिंग जो है वो हैवियर कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो हैं वो, ठीक है। सो इस तरह से एक बाउल में हम हाई स्पीड में उसको रोटेट करवाते हैं। और जो इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, आप में से जो लोग जिनके जिन्होंने अपने घरों में हाथ से वो जो लस्सी बनाने का जो है वो प्रोसेस वो अगर देखा हो, तो वो जब लस्सी को इस तरह से वो रस्सी वाले इसके साथ मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो मक्खन है वो ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द वो उसके सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाता है जिसको आप उठा लेते हैं बाद में, ठीक है। तो वो क्या है, वो बिल्कुल इसी तरह उसकी वर्किंग है, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, वो जो है वो हाथ से हो रही है, ठीक है। तो वो लस्सी बनाते हुए भी वो जिसको आप रिड़कना कहते हैं, तो वो जब आप करते हैं तो उसमें भी वो टुवर्ड्स द सेंटर वो जो मक्खन वगैरह हैं, वो जो फैट्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, तो वो भी ये इसी की एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 की देखी थी, ठीक है जी। हमने अगर मैं चैप्टर नंबर 3 के एक ओवरऑल व्यू को आपके सामने रखूं, तो अब हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ, जिसमें फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, उसके बाद हमने न्यूटन के कुछ लॉ, न्यूटन के 3 लॉज हैं उनको डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने जो है 2 केसेस जो एडवर्ड मशीन से रिलेटेड थे, केस 1 और केस 2, जिसमें हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की थी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, उसकी डेरिवेशंस वगैरह हमने देखी। देन हमने फ्रिक्शन के टॉपिक को कवर किया कि जो कि इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, जिसमें हमने फ्रिक्शन के में हमने 4-5 चीज़ें देखी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस क्या हैं, उसके बाद मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन देखा, फिर हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, और एट द एंड हमने इस चैप्टर को क्लोज किया एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, जिसमें हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। सो ये इस चैप्टर का एक जनरल सा ओवरव्यू था। तो आई होप के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। Thank you so much.